कि सिर्फ दिन भर मोबाइल पर टाइम स्पेंड करके तुम करोड़ों रुपए कमाने लग जाओगे कभी सोचा है कि सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलते खेलते घर पे वहाँ से तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी देगा और वर्ल्ड की हर कंट्री में वीआईपी ट्रीटमेंट देगा तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड था इसीलिए आज मैंने इंडिया के टॉप टू गेमर्स को बुलाया है एक जिसने गेम खेल खेल के बहुत पैसे कमाए और दूसरा जिसने सारे सही सही गेमर्स को ढूंढ के उनके ऊपर पैसा लगा के उनको ट्रेन करके उनको इंडिया से लेके पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करके पैसे कमाया तो ये क्या होता है ये कैसे दुनिया पूरी वर्क करती है शायद आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी पर आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने भी नहीं सीखी मुझे कभी नहीं पता चलता अगर मैं इन दोनों के साथ बैठ के अपने आप को फोर्स नहीं करता कि इस नई दुनिया के बारे में समझूं और कैसे इस नई दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के स्पॉट करूं ताकि फ्यूचर में मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ समझ के कुछ बढ़ा कर सकता हूँ मैं हमेशा मैं आप खुद को एक्चुअली एक्सप्लेन भी नहीं करता लोगों को आई लाइक like, मैं बोलता हूँ गाली पड़ रही है, कोई बात नहीं क्या कर सकता मतलब तो, so मैं, मैं हूँ तो 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 लोग हेट करते क्योंकि है? उनको लगता है इसके वजह से मे बी टैलेंट देखो नाउ इफ इफ अ टैलेंट इज वेरी ब्रांड शूट्स होते हैं इनिशियल डेज की आपको बात बता रहा हूं फॉर एक्साम मॉटल की बात करते हैं जब मॉडल स्टार्ट में आया ठीक है मॉडल की जो टीम सोल थी आई

टीम बहुत इंटरेस्ट जो उसकी स्टीमिंग टीम थी उनसे अलग करके ये तीन मुझे बूम गा, पड़ी गालियां पड़ रही है वो है सारी दो महीने बाद इंडिया की पहली टूर्नामेंट हो गई वो टीम ट्रॉफी उठा दी नई टीम ऑब्वियसली सुनो तो आप ट्रॉफी उठा दी वाह भाई किसकी उन चारों की अब कोई थक्को याद नहीं कर रहा ठीक okay. है वो टीम आगे गई वो टीम आ, फिर से ट्रॉफी उठा दी नेक्स्ट ग्लोबल टूर्नामेंट उठा दी और इंडिया को रिप्रेजेंट करने अब उनको जाना है hmm. उसमें ये इसकी टीम सेकंड थी ठीक okay. है वो लोग फर्स्ट थे ये सेकंड थी वो टीम भी सब कुछ सही हो गया उसके बाद एक इंटरनल फ्यूड हुआ जहां पे कुछ हुआ वॉट एवर अभी तक सब कुछ बढ़िया है थक्को कोई गाली नहीं दे रहा है लेकिन थक्को कोई वाहवा भी नहीं कर रहा टीम टूट गई जिसमें ऑब्वियस है पांच ही लोग थे तो सब लोग इन्वॉल्व है पूरा ब्लेम मेरे पे आ गया कि तोड़ टीम तोड़ दी दी टीम okay. पैसों के, पैसो के लिए पैसों के लिए okay. हाँ, पैसों पैसो के लिए अब मैंने वापस टीम बनाई एक ठीक <coughs> है मैं मॉटल को बोला ये करते हैं ये टाँगता हूं मैंने उसको तब मेरी टीम हुआ करती थी 8 बिट और सोल भी चला रहा था मैं सोल में मैं और पार्टनर्स थे 8 बिट अगला टूर्नामेंट में मॉटल के टीम में एक असोल्टर की कमी थी मैंने 8 बिट से एक प्लेयर दिया

उसका एक ब्रांड शूट है मे बी टेन लाख रूपी शूट भाई उसके लिए जरूरत है उसको घर में राशन पानी चाहिए पेंडेमिक exactly. के बाद सुपर नहीं आते uh -huh. और सुपर सुपरचे कभी वॉज ने बिग थिंग इन इंडिया आई एनआर में नहीं होता ब्रो बट क्या मॉडल अवेलेबल नहीं है वो स्टोरी डाला कि की शूट अर्ली डेज की बात बता रहा हूँ भाई जो गालियां पड़ती थी मुझे तूने क्यों भेजा उसको शूट पे उसका मैच था उसका स्ट्रीम नहीं हो रहा है स्ट्रीम मिस कर रहा है

वेजिटा एट द स्टार्ट विलन था वो एज अ विलन एंट्री किया था अब वो फेवरेट्स बन गया है तो मैं इस अच्छे से फेरी टेल में चैंपियनशिप में विलन आर्क वो सर विलन आर्क था स्काउट स्काउट वो सर विलन इन द फेरी टेल तो एक मूवी का हीरो यहाँ चल रही थी इस पूरे मूवी मिल का विलेन एक था हाँ। वो मैं था स्टार्ट में <laughs> तो तुम लोग कैसे मिले वैसे तुम लोगों ने लो, कैसे स्टार्ट किया हम लोग दोनों फर्स्ट थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे द फर्स्ट टू रिप्रेजेंट द गेम इन द ये तुम दोनों गेमर्स थे स्टार्ट करें हां मतलब ऐसा कैसे हुआ कि तुम दोनों गेमर्स थे इसने बोला कि भाई मैं तो स्टार बनूंगा तूने बोला रुक जा मैं स्टार मेकर बनूंगा सो आई टेल यू वेरी सिंपल ये क्या सिचुएशन है सो so, uh, मैं तो मैं तो एकेडमिक बैकग्राउंड बताता हूं आई एम अ सीए फाइनलिस्ट ठीक है क्या बात कर रहा है सीए का लेवल 1 किया एफआरएम का लेवल 1 किया ओ भाई क्या बात कर रहा है चुपके बताता हूं ठीक है तो दिस ऑल आई डिड ऑल ऑफ दिस व्हेन आई वाज 22 <laughs> तो आई हैड लॉट ऑफ टाइम इन माय लाइफ और मैं गेम मोबाइल गेम बहुत खेलता था

हम लोग अट्ठारह कंट्री में क्लैन था एडबिट नाम का जैसे सी में क्लैन सिस्टम होता है एडबिट इंडिया एड बिट ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके हम लोग ग्यारह लोग थे मेरे डिस्कॉट सर्वर में

अनाउंस द चैंपियनशिप, जिसमें मुझे पहला बार पता चला भाई एक मिलियन डॉलर का प्राइसफुल टूर्नामेंट हो रहा है ऐसा भी होता है hmm. वो मेरे फर्स्ट टाइम था कि मैं मुझे पता चला की थिंग कॉल्ड टूर्नामेंट्स इन गेमिंग विद यू गेट मनी उसके पहले पढ़ाई में ही था मैं okay. तो मैं बोला ठीक है अब इंडिया में कुछ स्कोप नहीं था मैं तो इतना अच्छा प्लेयर था भी नहीं कभी मेरा हमेशा कहा मैनेजमेंट और वो ओनरशिप वाला था तो मेरे दो प्लेयर थे जो अभी भी है उसमें एक हमारे साथ माफिया बोल के और एक सेफ बोल के तब प्लेयर था माफिया अभी भी एट बेट में उन लोग दोनों क्वालिफाई हुए इंडिया से फॉर दे हर टू फ्लाई डाउन टू एंड देन डू अ कुछ एक ओपन टूर्नामेंट होता है वहां से फिर टीम्स हैंड पिक करती तो मैं पूरा स्ट्रक्चर वक्चर देखा तो जब ये चीज़ हुआ मैं थोड़ा और डाइव किया देन आई गॉट टू नो अब सी एस गो का बड़ा टूर्नामेंट होता है डोटा का होता है और मैं उन चीजों को फॉलो करने लगी mm. कि क्या होता है कैसे होता है कहाँ कौन दे रहा है पैसा टूर्नामेंट का मतलब फैन फंडिंग बोल के भी चीज है इन गेम में आप लोग स्किन खरीदते हो टीम्स को मिलता है मैं सिर्फ नॉलेज mm. दे रहा था क्योंकि कर तो कुछ सकता ही नहीं था ट्वेंटी में नथिंग आई कंटिन्यू दिस ट्वेंटी सेवेंटीन के बिगन एटीन के बिगनिंग में आई स्टॉप प्लेइंग गेम्स कंप्लीटली ओके मतलब फॉर सिक्स मंथ्स का फुल ब्रेक क्योंकि मेरा सी ए का इंटर्स आ रहा था सी एफ लेवल सब कुछ एकदम एग्जाम्स की एग्जाम्स सर पे थे मैं डिटेल हो गया पर मैं सब कुछ जान लिया था कि फोर्टनाइट होता है फोर्टनाइट गेम जब आया लॉन्च हुआ मैं उसको फॉलो करके निंजा के पास पहुंचा ट्विच में स्ट्रीम देखने डॉक्टर ल्यूपो के पास पहुंचा फिर उस टाइम एक हेमलिंस करके स्ट्रीमर ऐसे करके डैकवेन करके टीएसएम के स्ट्रीमर मैं सुबह छः बजे उठता था क्योंकि वहाँ पे उस टाइम उनका स्ट्रीम टाइम होता था मैं छः से नौ बजे उनका स्ट्रीम देखता था आई डिडेड जुडिशियसली आई थिंक 2017 सेवनटीन वॉज द टाइम बाई निंजा कोलेबिट ड्रेक तो उस मतलब लेट ऑफ 2017 से अर्ली 2018 तक मैं सुबह छः बजे उठ के दो घाट डो ढाई घंटे उनका स्ट्रीम सबका स्विच करते करते देखता था फिर वापस हो जाता था और मुझे लाइफ में था कि भाई जब लाइफ में टाइम मिलेगा मुझे स्ट्रीमर बनना है तो मेरा ब्रेक हुआ पढ़ाई और सारे एग्जाम्स पास कर दिए फटाफट फटाफट

वैसी इवेंट हुई नहीं है दुनिया में वापस इन द लास्ट एक छोटा सा लिख देता हूँ फाइनल डे वी हैड थर्टी टू थर्टी टू ट्वेंटी थर्टी मॉडल्स डांसिंग इन द पूल फॉर अस जोक हो गया था yeah, कि चला जाना उनके साथ तो जोक हाँ,

एंड मैं उसको बोला कि क्या ऐसा होता है बोलते कुछ नहीं ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है ही एक्सप्लेन में कि हाउ बिग स्पोर्ट्स इज मतलब ई वाज जस्ट टीचिंग मी मैं उसके बाद से इतना इन्फ्लूंस होगा मैं बोला या तो मैं अपना करियर बनाऊंगा या मैं इंडिया में गेमिंग बनाऊंगा mm. मैं आती अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया तो वो चीज़ का था कि मतलब आने के बाद इफ़ समम वुडन्ट हैव टेकन दैट मूव देन मे बी वी वुड हैव बीन ट्रैप्ड इन अ मोगल ऑफ कॉर्पोरेट्स ट्राइंग टू रन द शो

बट देइज की इसमें मजा नहीं आ you know, है क्योंकि पीपल आट ए लुकिंग अप टू मी आर समन जो यू नो सपोर्ट करता है सपोर्टिंग देखने लग गए थे तो मैं बोला मैं रोली सपोर्टर का बन जाता हूँ कि भाई जिस बंदे को जहाँ गेमिंग में प्रॉब्लम है मेरे बंदे को या जो भी मुझे ज्वाइन करता है या इन जनरल ऑल्सो कम्युनिटी में इनसे वो था कि उनको ये नया था कि सममन टू गाइड दम बिकॉज मैंने तीन साल पहले फॉलो किया सिर्फ बिफोर एंट्रिंग दिस इंडस्ट्री तो वो जो है ना कि यू नो यू जो यू जस्ट डोंट एंटर कॉज यू सी द फेम द मनी एंड एवरीथिंग अब फेम मनी है पहले उस टाइम तो हुआ भी नहीं करता था यू एंटर कॉज यू नो वॉट यू आर डूइंग द बिगेस्ट रीजन वाई आई फील की वी गॉट हेयर इज़ दैट वी न्यू वॉट यू आर डूइंग ऐसा नहीं था कि यार सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं मॉडल बढ़ रहा है स्काउट बढ़ रहा है वाइपर बढ़ रहा है गेल्टॉस बढ़ रहा है तो हम लोग फाड़ रहे हैं बहुत लोग बढ़ रहे हैं नहीं फाड़ रहे एक आप होते ना वॉट यू डू एंड नंबर गेम्स आर नॉट कोई यार मतलब यू नो यू आर इन दिगेस्ट बिगेस्ट बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ट्राइंग टू से भाई मेरा ये था कि मैंने थाईलैंड में ही देख लिया तो मुझे लगा ये

वी आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव सैलरी टू अ मोबाइल प्लेयर इन इंडियन सर्किट मतलब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ तो वो बात है कि वो चीज़ कोई सोचता नहीं और उसके बाद इवन अंटिल्स कहाँ आई थिंक अगले साल के जून में आफ्टर नाइन मंथ्स वी एक्चुअली हैड रिप्रजेंटेशन कमिंग इन की यू नो एवरी वन इज ट्राइंग टू एंटर गेमिंग एंड पेइंग सैलरीज तो वो बात है कि अब वो चीज़ के लाइक आई ऑलवेज भी प्राउड इसे भी लोग मुझे गाड़ी दे देंगे ये यार अभी क्या होगा ना मैं कहता तो मैं कुछ स्टेटमेंट देता ना लोग जाते हैं इतिहास ढूंढते हैं

फिर तब मैं फुटबॉल में घुस गया था प्रॉपर प्रोफेशनल फिर मैं पंजाब में था एकेडमी में मिडल में था तो so फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे को स्केप मेरी गेमिंग थी लोगों का स्केप होता है कि दोस्त बाहर चल जाना मेरा स्केप था कि घर पर बोलता था मम्मी मेरे को बीस रुपये दे दो मैं एक घंटा कैफे खेलने जाऊँगा तो मम्मी बोलती तू होमवर्क कर ले तो, तो एक घंटा हम ही लेके जाएंगे पहले सी एस के कैफेज होते हाँ भाई तो मैं सी एस बहुत खेलता था हाँ। तो मेरे को ऐसा मैं स्कूटी पर बैठ के मेरे को लेके आ जा जाती जा थी कैफे खेलने के लिए बच्चा भी छोटा था हाँ। तो उस टाइम से मैं गेमिंग तो मेरे को पसंद ही था कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को गेम खेलना है मेरे को मजा आता है उसमें तो कभी गेमिंग को ऐसा नहीं करियर बन सकता और मेरे को पता भी नहीं था गेमिंग में कॉम्पिटिशन होता है फिर मैं काउंटरशन खेलने लग गया रेगुलर बेसिस पे मैं हॉस्टल वॉस्टल में फुटबॉल खेलने लग गया वहाँ से आया गुजरात वापस आया अपने कॉलेज लाइफ कॉलेज लाइफ एंड इलेवन ट्वेल्थ के टाइम पे हम लोग शाम को ट्यूशन कंप्लीट करके जाते थे कैफेज में गेम खेलने तब पता हाँ तब पता चला कि भाई इसके प्लेयर्स भी है जो इंटरनेशनल खेलते हैं उनको इंटरनेट में वीडियो देखकर हम उनसे सीखने लग गए ओके okay. तब मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये सब बाहर ई स्पोर्ट्स यहाँ पे कॉम्पिट होता है वहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं फिर मैं गया था कोलकाता वहाँ मेरा फुटबॉल का इवेंट चल रहा था ट्रायल चल रहा था और मेरा हैमस्ट्रिंग गया अब मेरे को हो गया फोर मंथ्स का रेस्ट फोर टू फाइव मंथ्स का रेस्ट बेटरेस्ट अब उस टाइम पे नई नई आई थी गेम पबजी अब घर पे पीसी था नहीं और घर के पास वाले कैफे में काउंटर था वन पॉइंट सिक्स चलती थी वहां पबजी पीसी चलने वाली नहीं है तो था कि भाई कभी ना कभी एक दिन पैसा कमाऊंगा कि पबजी पीसी खेल पाओ पीसी ऐसा था मेरा फिर मैं मुंबई ट्रैवल क्या करता था गेम खेलने सिर्फ गेम खेलने के लिए सैटरडे संडे दमन से ओके दो घंटा ट्रेन में बैठ जाओ बिना टिकट डोर में बैठ जाओ वो तो वैसे बैठ डोर बैठ के मुंबई हाँ। आ जाता और कैफेलता हाँ सी एस गो खेलने के लिए ओके। तो यहाँ पेफे वाल को बोलता था, भाई तो कुछ नहीं मैं तेरेऊंगा तो खाली शटर बंद कर दियो मैं कोई दिक्कत नहीं है मैं दो दिन रहकर संडे वापस ले जाऊंगा कि वो अलाउ कर देता था तो हम रात भर खेलते थे फिर दो दिन हफ्ते में पूरा दिन मेहनत करो दो दिन जाओ गेम खेल के आ जाओ घर पे पीसी है नहीं घर वाले देते नहीं थे फिर ऐसा हुआ कि जब मैं बेडरेस्ट पे गया उसके ये सब उसके बाद का सीन कि बेड बेडरेस्ट पे गया मैं तो फिर अब मोबाइल में क्या खेलेगा अलग अलग गेम उस टाइम पे बैटल रॉयल पे तो वो खेलते खेलते खेलते, खेलते एक दिन आएगी पबजी पीसी लॉन्चिंग इन मोबाइल चलो ये खेलते रेस्ट में खेलने लग गया अचानक से उसमें चला गया

भाई मैं पापा का year, year, सब खाली थे पापा का एक साल मोटो जी फोर प्लस पता एक फोन थी बहुत पुराना मैं उस फोन में क्रैक सिम में खेलता था <laughs> मैं वहां से स्पॉन्सर्ड डिवाइस भी नहीं मिली थी मेरे को मेरे को जो जिस इवेंट में हम गए थे हाँ। वहां पर सैमसंग का एक नोट, नोट आया था नोट ने ऐसा फोन दिया था कि इसमें उसमें ये लेके जाओ उसमें मैंने एक साल खेला था और तब तक खुद के पैसे थे ही नहीं कि डिवाइस खरीद पाऊँ या घर पर बोल पाऊँ घर बोलूंगा चप्पल बढ़े अलग कि तूने पढ़ाई छोड़ दी फुटबॉल के लिए अब फुटबॉल छोड़ दे गेम के लिए अब तो फोन के लिए पैसे मांग रहा है अब लोड मेडल से लड़का है वहां पे हजार रुपये मांग लो मतलब चप्पलें बढ़नी है चप्पले हंड्रेड परसेंट है तो भाई घर से डर से पूछते नहीं थे कुछ ऐसा सिस्टम था वहाँ वहां जाके भाई पांच हजार मेरी आई थिंक अभी मेरे को याद है पाँच हजार रुपये पहला सैलरी था आई एन डी में पाँच हजार रुपये

पचास हजार सैलरी मिनिमम हाँ, चाहिए मिनिमम आईफोन फोर्टीन प्रो जो लेटेस्ट होगा वो चाहिए गेमिंग गेम हाउस चाहिए मतलब ये टीम मेंबर्स को चाहिए जो खेलेंगे टीम में पचास होगा तो ही है। बहुत कम बोल दिया मतलब मैं पचास आपको बोल रहा हूँ जो जस्ट खेलना चालू किया अगर कोई रिनाउंड नेम है वो लाख महीने से सर्वाइव कर दिया इंडस्ट्री में वो लाख तो मिनिमम लाख तो मिनिमम मांगेगा और ऑक देती है ऑक देती है मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी के आने वाले प्लेयर्स

एक गेमर या तुम लोग कितना खेलते हो पर डे स्ट्रीम ओके okay, आप स्ट्रीम के साथ बोलोगे ऑफ स्ट्रीम बोलोगे सब मिला करता कर हाँ। 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 तो गेम गेम है याद रखो तो मैं सुबह उठता हूँ फीफा के साथ मैं उठता हूँ फीफा के साथ ठीक है ये मेरा रूल है कितनी देर खेलता है फीफा उठते पहले डिविजन अगर तुम पिट गए तो अगर देखो कुछ ज्यादा अच्छा प्लेयर को आ गया तो पेट के फ्रस्ट्रेशन छोड़ देता हूँ अगर अच्छा जा रहा तो दो घंटा चाहता है फीफा ब्रश वर्कआउट कर लिया ब्रश से से पहले दो हाँ, से पहले ही घंटे उठते सीधा कंट्रोल लेके थी बैठा थी गया ब्रश वॉश कर लिया सब कुछ कर लिया फिर अपना मेन गेम पे आता है जहाँ पे हम लोग जिसने हमें बनाया वो पबजी में वाला बीजा में बोल सकते हो वहाँ पर हमारी ग्राइंड चलती है वो होता मिनिमम एक ई एथलीट जैसे एक एथलीट का रहता है कि सुबह कंडीशनिंग हो गया फिर जिम गया, गया हो गई, फिर अलग वैसे इसमें भी होता है टीम डिस्कशन हो गया तुमने ड्रिल्स की अपनी खुद की ट्रेनिंग की फिर टूर्नामेंट स्क्रीम प्रैक्टिस करी ये तुम्हारा ले लो रफली सिक्स टू सेवन आवर्स बारह एक बजे चालू हुआ शाम के छः सात बजे खाता ट्रेनिंग रूटीन बताओ मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ये क्या ड्रिल्स होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीजें करते हो तुम जैसे छः से सात घंटे डिस्कस करते हो अलग अलग प्लान्स बनाते हो हाँ तो जैसे आप ले लो एग्जाम्पल फुटबॉल का जब मैं फुटबॉल रहा करता मैं फुटबॉल का एग्जाम्पल देता हूँ आप सुबह उठते हो पहले रनिंग करते हो फिर उसके बाद जाते हो किसी दिन रहता है ड्रिल्स रहता है सिर्फ बॉल छूना नहीं है बॉल पंद्रह मिनट छूने में सिर्फ किस दिन रहता है आपको गेम खिलाते हैं किस दिन रहता है आप सिर्फ शूटिंग शूटिंग किस दिन रहता है स्ट्रेंथ पे ट्रेन करते हो ऐसे इसमें भी एक घंटा हम लोग लेते है, ट्रेनिंग हैं ट्रेनिंग ग्राउंड से रहते हैं स्प्रे प्रैक्टिस कर रहे हैं कभी बहुत मैकेनिज्म आता है इस गेम में लोगों को लगता है गेम खेलने से मजाक ऐसा नहीं है इस गेम में भी उतना ही दिमाग लगता है और स्किल सेट लगता है जितना एक स्पोर्ट्स खेलने में लगता है आप वहाँ फिजिकली कर रहे हो यहाँ पर आप फिजिकली भी प्लस मेंटली भी इफेक्ट हो रहे हो क्योंकि कल को आपने कुछ नई चीज़ देखी वो बंदा करते हुए आ रहा है आप वो चीज़ कैसे सीखोगे आप उसको पूछ तो नहीं सकते क्योंकि आप उसको फिजिकली जानते हो नहीं आप उसको देख के उसको रिप्लीगेट कर दो रिप्लीगेट कर मास्टर कर दो स्किल को फिर कल को कोई एक लौंडा रहेगा जो आपसे बेटर है hmm. य ये गेमिंग इंडस्ट्री वैसी है आप कितना भी बेटर बन जाओ यहाँ पे एक बंदा कोई ना कोई कभी ना कभी आएगा जो आपसे बेटर है अब वो मैटर करते हैं कि आप उस पे गिवअप हो कि आप उस पन में वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हो अपनी डिफिट को एंड यू ट्राई टू लर्न

ठीक है नॉट फ्रॉम अस हम लोग कुछ नहीं बोल रहे वो उनका खुद का असल है वी एट एस तो हम लोग का बोलते ही नहीं है कि तू प्रैक्टिस कर नहीं कर हम लोग को परवाह ही नहीं है उन लोग सुबह बारह बजे शुरू करते थे खेलना जब एकदम गेम टूर्नामेंट बारह बजे से आठ नौ बजे तक तो उन लोग लोगोंट तो, तो लेट बोल लेट बोल जाए ना वो आदमी खुद का टाइम खुद देते हो और उसके बाद

बताए थे कि कौन सी टीम जीतने वाली है प्रैक्टिस मैच कुछ नहीं बताएगा क्योंकि पहले दस लोग बॉलिंग भी करेंगे फिर दस लोग बैटिंग सारे बैट्समैन आगे बैट भी करेंगे यहां पे वो नहीं है खेलना उन चार को इधर नो सब्सिट्यूट मे बी फिफ्थ प्लेयर बट जनरली फिफ्थ प्लेयर ही रह जाता है क्योंकि अ गुड प्लेयर विट तो

Uh, मतलब बहुत कम ऐसा हुआ है वेरी रेयरली कि सेट पीस डेविएट की हुई टीम जाके चिकन डिनर लिए ठीक है, है? मतलब वो फिर फेवर होना पड़ेगा भाई उसने सेट से डेविएट पूरा जोन जोनी उस पर नो ऑफेंस एनी ऑफें बहुत बार फ्री किक्स होते हैं जो नॉर्मल yeah. मारते हैं बट स्विंग ऐसी हो जाती है कि जो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है यू कैन रिक्रिएट दैट चैंपियन इज समवन हु द सेम मूव्स अगेन एंड अगेन

मैं भी चार गोली में ही मरूंगा आप भी चार गोली में ही मरोगे hmm. एक्स्ट्रा नहीं है कि मे भी कुछ एक्स्ट्रा चांसेस है कौन एक गलती करता है और वो गलती को एडवांटेज कौन सी टीम लेती है अगर आप एक गलती कर रहे हो ना आप एक के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे हो hmm. आपके साथ चौदह अदर टीम है उसको मिला के पंद्रह hmm. जो वेट करिए आप गलती करो और उसका एडवांटेज ले आप सोचिए आप एक टीम से लड़ रहा उसी टाइम पे आप आप एक टीम से नहीं लड़ रहे हो बहुत लोग वेट कर रहे हैं गलती बस करके देखो तुम मतलब एवरी गेम डेट यू सी ना जो भी स्पोर्ट्स और, और ये आपने इंडिया बोल दिया वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड योर गेम स्टार्ट्स व्हेन यू एंटर द वर्ल्ड यस आप एक तालाब से निकल के वर्ल्ड पे पैर रखते हो ना यू आप बच्चे उधर ऐसे देख रहे हो भाई चाइनीज टीम जाते हैं चाइनीज टीम जाते हैं भाई हम लोग वी वर कंसीडर शिट वी वर कंसीडर शिट इन द वर्ल्ड ओके वो तो बैन अनलकीली वी हैड द बैन

मोर यू ट्रेन अगेंस्ट द बेस्ट द आप कट ऑफ हो गए हो इंटरनेशनल मार्केट से आप hmm. वापस लड़ रहे हो किसमें इंडिया के अंदर तो आप इंडिया में कितना भी जीत जाओ कल को हम जाके पे रखते बाहर हम पिट जाते हैं हम, बिकॉज हमें एक साल दिखाया नहीं गया ना भाई बाहर के बंदे क्या खेलते हैं hmm. हमने एक बार किया है ऐसा नहीं कि हमने कभी नहीं किया हमने प्रूव नहीं किया हमने एक बार करके दिखाया ना हमें दो साल लग गए लेजर ट्वेंटी 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 में हमने प्रूव किया इंडिया नेम समथिंग दो साल लगे पूरा वो जर्नी के लिए अपना कट कर दिया हमें इंटरनेशनल से ठीक है माना कोई दिक्कत नहीं अब वापस हम अगर चांस दोगे कि इंटरनेशनल के साथ जाकर कंपीट करने के लिए भले ही हारेंगे चार बार पाँचवा में हमारे लॉन्डे फाड़ेंगे क्योंकि इंडिया में इतना टैलेंट है जब क्रिकेट में बोलते हैं ना हर आ, गली में आपको एक सचिन और एक कोहली एक धोनी का ग्रिम्स दिखेगा बट हाँ। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है गेमिंग में सेम सेम है हर इंडिया हर इंडिया के हर घर में एक गेमर एक जो चैम्पियन बन सकता है अभी भी बोलता भी मे, मेरे से लाख गुना बेटर प्लेयर्स कहीं ना कहीं घर पे बैठे होंगे पक्का बस उनको चांस नहीं मिल रहा है उनको डिवाइस नहीं है सेम मैं लकी था मेरे को किसी एक बंदे ने आके बोल दिया भाई ये ले डिवाइस खेल दे मेरे को डिवाइस मिल गया मैंने फाड़ दिया मेरे से लाख गुना बेटर दिन रात मेहनत करने वाला मेरे से अच्छा स्किल वाला बंदा बैठा कहीं अभी उसको मैं ये फ़ोन कर दे दूँ वो फाड़ देगा वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा बट बंदे को ढूंढना बंदे का टाइमिंग अच्छा होना बंदा सही जगह पे सही टाइम पे, पे होना बहुत मैटर करता है बहुत मैटर करता है और ऐसा नहीं है जैसे ये तो एकदम टॉप लेवल खेल रहे हैं एसके रॉसी वोल्ड के एक प्लेयर है बेलोरेंट का वो पूरा मचा रहे मतलब भाई ग्लोबली उसको जानते हैं इंडस्ट्री जानता है कि भाई एसके रॉसी इंडिया का है सी एस फॉलो किया आपको है ना सी एस पीछे इंडियन टीम्स को गलते नहीं थे कोई भी नहीं देखता वैसे वैलोरेंट में इंडियन नहीं गिनते बट देख रहा को सब जानते हैं को सब जानते हैं अब मतलब चलो ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के स्लॉट भी आ गया फ्रेंचाइज स्लॉट आ गया तो अब तो चलो पूरा मतलब इंडिया ऑन द अच्छा डोमिनेट पोजीशन हाँ. पे आ गए हम लोग बट या मतलब इट्स सो डिफिकल्ट अगर देखे कि मतलब वही ये बोला ना जो चीज है कि क्रीम है क्रीम के नीचे वाले को कोई नहीं जानते मतलब कितने प्लेयर घिस रहे होंगे अभी अभी हम लोग जब प्लेयर्स से, से टीम के लिए हायर करता है ना तो हम लोग ढूंढते हैं यंग प्लेयर्स जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं हो <laughs> जो कहीं से खेल वेल के नहीं है सर पे ईगो ना हो <laughs> उन लोग जो खेलते हैं यंग प्लेयर्स एकदम जिनको जिनको स्काउट बनना है जिनको मॉडल बनना है पैसा कमाना है जीतना है बट उसको पहले पैसा कमाना है फिर वो जीतने का देखेगा अगर कल को मेरे को यहाँ पे एक लाख रुपए मिल रहा है वहाँ दो मिल रहा है मैं बोलूँगा तू भाई तेल लगा मैं जा रहा हूँ दो लाख पे भले मेरी टीम उधर शिफ्ट है बट मेरे पॉकेट में आ रहे हैं पैसा मेरे को जितने फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे पॉकेट में पैसा आ रहा है, है, रहा है। और एक होता है भले भली तुम्हे सैलरी मत दे मेरे को अच्छी टीम दे दे, दे मैं फाड़ दूंगा हमें वो प्लेयर ढूंढना है जो आँख बंद करके आता है भाई मेरे से पैसा नहीं लेने वाला मुझे छः महीने दे मैं मैं तेरे से रिक्वयरमेंट देता हूँ मुझे छः महीने में चार लोडे देते मैं छह दूंगा मतलब द द पॉइंट इज इज प्रॉब्लम नॉट स्काउट थोड़ा अलग तरीके से बोले गिविंग द मनी यू आर वर्किंग फॉर यू आर वर्किंग यू नीड टू गेट पेड योर पेरेंट्स अलाउ बट द पॉइंट इज मनी शुड नॉट बी एवरीथिंग दिस इंडस्ट्री इज दैट की मनी स्पॉइल्स लॉट ऑफ थिंग्स मतलब फॉर मतलब, in मतलब, मतलब मैंने ऐसे ऐसे टीम्स टूटते हुए देखे ना इट ऑल कम्स डाउन टू मनी विच इज बैड एंड टू बी ऑनेस्ट कोई कुछ जो वो टीम टूट गई कोई प्लेयर चला उसको उसने कुछ उखाड़ा नहीं

But हम बाप है। हम बाप, बाप है। है। कोई नहीं नहीं है। आप नहीं हो, God -gifted या बस right right यार मतलब जब बीजे में टूर्नामेंट होते हैं उसमें दो दो लाख टीम रजिस्टर करते हैं ठीक है डेढ़ सवा सवा लाख उस टाइम में तो दो, -दो लाख टीम करते थे अब शायद नंबर गिरे लाख लाख ऐसे भी रजिस्टर करते हैं उस में इसका मतलब ये नहीं भाई

एक चांस मिलता है एक चांस मिलता है आप ओएस राउंड्स तक इट्स बेस्ट ऑफ वन सो इट्स ओनली बेस्ट ऑफ वन एंड ओनली टॉप 5 गो ऐसा होता है हां तो टॉप 3 आना तब आप अगले से जाओगे अब क्या पता पहले से में निकल गए इवन तो आपकी बेस्ट टीम आपका डिवाइस सब कुछ है इसके बाद सबसे खराब टीम होगी भी इस तरफ फाड़ जस्ट बिकॉज़ किया लक लक इतना अच्छा दे गया ये वहां पहुंच गया अब एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच के इसको इतना कुछ प्रोवाइड हो गया ये एवरेज गेमर बट देखो इतना सामान दे देगा तो एवरेज गेमर ने मेहनत करके प्रो बन गया जो प्रो था

मैं बोला तो मुझे एक जन आया मुझे बोला कि गोल्डी भाई एक मेरे भाई है एक प्लेयर आके बोला बोब डोब, शायद बोब हाँ, आ, नाम मत यार उसी एक प्लेयर आके मुझे दिन, बोला उसी दिन मैं भी मिला था उसका स्टोरी है कि थक भाई एक गोल्डी भाई हमारे आपसे मिलना था बोला मेल करने बोल देना और मैं लिफ्ट में घुस गया मैं ट्रॉफी जीत के आया था टीम सोल तो मैं मस्त मूड में था पर आप सोचो वहां पे गोल्डी भाई क्या कर सकते थे वुड हैव टेकन इट टू इज ही इज ऑलसो लाइक वेरी वेल टू डू एंड मतलब बहुत अच्छे बैकग्राउंड से वेरी स्मार्ट पर्सन एंड ऑल तो वो भी मन में ईगो में ले लेते कौन है छोड़ अपना कर लूंगा कुछ बट नो ही वॉक अप टू माई रूम एंड शोड अप एंड आई मेट हिम वी चैटेड फॉर टेन मिनट्स ठीक है एंड देन आई सेट कि वी वी जस्ट वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि थोड़ा माँ कनेक्ट भी था गुवाहाटी कनेक्ट था वी डिस्कस करें एंड देन वी पार्टी सेट कि कुछ करना है साथ में इफ यू एनी अपॉर्चुनिटी लेट मी नो ठीक है आई सेट ओके पंद्रह दिन बाद दैट सोल्ड डी ब्रोक एंड आई लेफ्ट ब्रोक टू बी ऑनेस्ट आई कॉल डिम ही फ्लू डाउन वी मेट फॉर टू आवर्स

और गोल्डी भाई आई गोल्डी भाई कौन ही को, मेरा कुछ था भी नहीं ओके। okay. पता है, एक, एक e है मुंडी झुका के वो देख रहा है सेकेंड अपने मैचेस को हुँ. वापस देख रहा है क्या गलती एक बंदा आता है रो क्यू है चल मेरे साथ चिल कर ऐसा ऐसा करे समझा के डिनर पे ले जाता है रैंडम ओके

जब मैं कोई बड़ा स्काउट नहीं था स्काउट नब्बे अस्सी हजार फॉलोअर्स वाला बंदा जहां पे एक मिलियन का एक सेकंड टीम जिसका क्रिएटर हंड्रेड के भी नहीं है आप उधर रहते आप किस पे आते आप जाओगे ना जो जीता है बट ही चोज टू कम टू अ गाय नॉट इवन नोन इन द ऑडियंस एंड हु इज बिंग हेटेड ये इधर क्यों है उस बंदे को आके उस बंदे ने कंधा दिया चल करते हैं तू निकालेगा ही सॉ पोटेंशियल तो, तो yeah. वो एक रेस्पेक्ट मेरे दिल में जो है ना नो वन कैन टेक ट्रू। सो इट्स ऑल अबाउट चांस टाइम वो टाइमिंग सोचिए अगर गोल्डी बॉस्टम नहीं आते hmm. मैं आज भी ये बनता बट एक बोलते हैं मैं मैं पहले एरेगेंट हुँ। हुँ। मैं एक लौंडा सभी होता हैोंडे एथलीट आया है, थोड़ा पैसा दिखा है थोड़ा फेन दिखाए तो भाई हम ही बाप है वो वाले वाइफ में थे अब हम लोग समझ गए ना हम लोग बाप नहीं है कोई ये रियलाइज हुआ खुद ये किसने सिखाया नहीं है कुछ सिखा था तो चूतिया फैक्ट तुम्हे को सिखा रहे

बट सब एक सेम लेवल पे आ गया बिकॉज दिस इज वेयर द पीस लाइज कि जब yeah. आपको किसी को यू थिंक ना यू आर नॉट यू हैव टू बी एवरी वे यू डोंट हैव टू थिंक वाई दिस इज वाई आई एम नॉट गेटिंग दिस चीज़ें आप छोड़ देते हैं ना दिमाग से एक कोट है ना कि yeah. आप सबको खुश नहीं रख सकते yeah. आप उनको खुश रखो जो आपके लाइफ yeah. में मैटर करते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट ये मैं बहुत लेट समझा पहले मैं पता है लाइक like, मैं इतना ब्लंट था कोई मेरे को चैट में कुछ बोला ना मैं चैट को पकड़ के उ भरता था

और तो बाद में लगता भी हाँ, है हाँ, हाँ और ये चीज मैं सीख लिया लाइफ में पहले मैं बोलता ना मेरा जर्नी ऐसा रहा है कि बीइंग फ्रॉम द बेस्ट प्लेयर टू बीइंग कॉल्ड एज द वर्स्ट प्लेयर टू अगेन कमिंग एट द टॉप मैं उस जर्नी में अप एंड डाउन में रहा हूं तो मैं ये सीख लिया यू कैन नेवर बी एट द टॉप ओके आपको कभी ना कभी आपको कोई ना कोई रिप्लेस करेगा यू नो टू एक्सेप्ट इट एंड फाइट अगेन दो दो रास्ता है या तो फाइट कर लो तो एक्सेप्ट करके बैठ जाओ सेकंड बन के बैठ जाओ थर्ड बन के बैठ जाओ लास्ट चले जाओ पैसा आपको उतने मिलने वाले हैं बट hmm. रेस्पेक्ट आपकी खुद की ईगो और आपका ड्रीम कभी पुरानी हो ये सेल्फ इमेज मतलब खुद को तुम मिरर में देख के एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि भाई मैं सेकंड में क्यों बैठा हूँ लोग करते हैं लोग करते हैं पीपल हु आप का देखना टीम्स में कैमरा के बाहर कैमरा में लोग लो लो सब साइड साइड देंगे yeah. कैमरा के बाहर लोग खुश होते हैं कि भाई सेकंड आ गए पैसे मिल गए उसमें से एक बंदा रहेगा तो खुश नहीं होगा क्यों फर्स्ट क्यों नहीं वो बंदा ढूंढना बहुत मैटर है जो ये बात बहुत एग्जैक्ट बहुत, बहुत ही सही बात है कि आई यू प्लेइंग टू विन और आई प्लेइंग टू अर्न या क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़रूरी है एनी स्पोर्ट राइट हर स्पोर्ट में अगर इफ यू आर डूइंग राइट तो अभी पूरी कॉन्वर्जेशन में जो इतना बड़ा मोनोलॉग hmm. था तुम दोनों का डायलॉग था तुम दोनों का उसमें दो पॉइंट आई वॉट टू कंटिन्यू आई वॉन्ट पिकअन लुक तेरे लिए भी एक रेप पहले तो मुझे वो कंटिन्यू करिए बताया कि कितने घंटे खेलता है पहले दो घंटे फीफा हो गया छः से सात घंटे तुमने टीम स्टार्ट हाँ। किया तो टीम स्टार्ट हो गया फिर <laughs> क्या <दो>, एक टीम डिस्कशन <laughs> लोग नॉर्मल मैचेस के बाद करते हैं मैं वो नहीं करता करवाता क्योंकि उस टाइम में सब हीटेड रहते हैं कि गलती हुई तूने फकप किया मैंने फकप वो हीट मेरे को हीटेड माउंड में बात ही नहीं करनी है आदमी जो गुस्सा होता है कुछ बात नहीं कर सकता मैं भाई तुम रात को पूरा दिन खत्म होगा डिनर करो तब हम बैठेंगे आराम से करेंगे तो टीम डिस्कशन मेरा आफ्टर डिनर रहता है ओके okay. उसके बाद क्या होता है मेरी स्ट्रीमिंग चालू होती है सात आठ बजे के बाद मैं स्ट्रीम स्ट्रीम पर मैं एक अभी हार्ड पार्ट एक एथलीट और एक स्ट्रीमर होने का कि आप पूरा दिन स्ट्रगल करो माइंड फक करो अपना पूरा फिर आके एंटरटेन करो फिर आके आप रिसेट हो जाओ भूल जाओ तुमने गेम खेला है और कितनी देर स्ट्रीम करता है डिपेंड वाइब बहुत लोग स्ट्रीम धंधे के लिए करते हैं मेरे लिए स्ट्रीम होता है वाइब वाइब मैच होगा तो मैं आठ घंटा भी स्ट्रीम कर सकता हूँ सुबह तीन बजे तक सो के सुबह बारह बजे उठ सकता हूँ या तो मैं दो घंटे में भी खत्म कर सकता हूँ वाइब पे मजा आने पर मज़ा आ रहा है तो मैं थकता नहीं हूँ मेरे को ऐसा मजा आ रहा है ना बकचौदी हो रही है लोग हंस रहे हैं मैं भी हंस रहा हूँ मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ गेम खेलने में चलते आती चलते जाते चलती जाते स्ट्रीम लंबी मैंने कह रहा है आठ आठ नौ नौ घंटे तीन तीन चार चार बजे तक स्ट्रीम करी है लोग स्टिक भी करते हैं हजार दो हजार लोग रात के तीन बजे रात के तीन चार बजे दो हजार लोग आपको कॉन्सर्ट देख रहे हैं तुम गेम खेल रहे हो तुम गेम खेल रहे हो बकचोदी कर रहा हो और स्पेशली कैसा है ना कि अपन जब सब लॉन्डे बैठते हैं तो एक बकचोदी होती है

था था या या हाँ, दो घंटे तो <laughs> तक <laughs> तो आप सोचो ये वाइब रहता है माहौल मिल गया तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और कभी कभी होता है यार सीरियस माहौल तो भाई मैं सात घंटे सीरियसनेस दे के आया हूँ मेरे को नहीं चाहिए सीरियसनेस वापस करके बनकर मिलता कल गाय सो जाओ ये सिस्टम है

किस आप एक मुझे क्राइटेरिया दो किस क्राइटेरिया में? तो क्राइटेरिया लेट्स से तीन क्राइटेरियाज बनाते हैं ठीक है एक है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ गेम कि इत, कितने लोग खेलते हैं कौन सी सी कंट्री जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई स्पोर्ट ये भी एक स्पोर्ट है अच्छा एक्सेप्ट कर लिया भी एक्सपोर्ट एक्सेप्टेंस में ठीक है सेकेंड है? करते हैं पैसे में कौन सी कंपनी जहाँ पे कौन सी कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा पैसे का स्कोप है कि भाई बना सकते हैं तो करियर क्या आज आईपीएल में लौंडा बन जाता है इसमें बन सकते हैं कि नहीं लड़का लड़की टू प्ले द गेम ठीक है सेकंड एंड थर्ड इज इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीजर्मस विनिंग ओके कौन जीतने में स्किल में कॉन्स राइट सो आई थिंक एक्सपर्टीज में एवरेज uh, so आउट कर रहा हूँ कि लुकिंग एट वॉट वॉन टू बी ऑनेस्ट वी हैव वॉन वेरी लेस और मेड पोडियम फिनिशेज हमारे रैंकिंग बताया हम था फिर so yeah, भी वी आर वेरी लो मतलब ट में तो हंड्रेड परसेंट देर आर वेरी फ्यू कंट्रीज से अपना इंडोनेशिया थाईलैंड हाँ। मलेशिया वाला एक आपका ऊपर हो गया हाँ चाइना जापान हो गया कोरिया हो गया बहुत अच्छा रीजन तो अगर आप इन सब में देखोगे तो वी कुड बी लाइक ईस्ट एशिया में तो कोर्स वी आर टॉप फाइव मतलब स्किल बेस में नहीं 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 अभी अभी नीचे हो गए 2 साल पहले बोलेगा

आवर सैलरीज आर वे बेटर इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया से बहुत बहुत हाँ. ज्यादा सैलरी है इंडियन गेमर्स आर मेकिंग इनसेन मनी वेचन ले ना गेमर का स्टार्टर अर्निंग समझ लो कि एक लाख मिनिमम उसका पॉकेट में टॉप सिक्सटीन ट्वेंटी छोड़ दो ऑन टॉप डील्स अलग है। वो अलग चीज हो गया बैंड एक लाख पॉकेट में आ रहा है क्यों एक लाख लिक्विड मनी आ रही है उसके पॉकेट में वो खेलने के लिए मिल रहा है, है। बाकी जो दूसरी चीजें ब्रांड डील्स वो दिस दिस डिपेंड ऑन लाइक यू नो वो आगे फिर वो खुद बनाना वो खुद बनाना ठीक है एंड देन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ गेम कि वन टू गेमिंग अपन इंडिया में गेमिंग बन चुका है मोबाइल गेम्स टॉप टू इंडिया में लोग गेम खेल रहे हैं तो भाई बहुत ज्यादा खेल रहे अब उन लोग कौन से कंसोल में खेल रहे हैं क्या खेले नहीं खेले इन जनरल ऑल्सो इंडिया इज टॉप थ्री टॉप फो इन ऑफ बिकॉज अगर चलो बोलते हैं मोबाइल में हम लोग बहुत आगे तो मोबाइल में इतने गेमर्स है मोबाइल में अल्टीमेटली

एक बंदा गुजरात में बैठ के असम वाले लौंड गया खेल पा रहा है hmm. आप जो दोस्ती बॉर्डर हाँ आप आपको उस गेम ने वो एक बैरियर तोड़ दिया था hmm. दोस्ती की भाई आओ बैठो गेम में तुम हंस रहे हो मजे कर रहे हो बातचीत चल रही है लोगों का लाइफ सेट हो रहा है वहाँ पे बन, <laughs> लोग बंदी बना ले रहे गेम में लोग स्पोर्ट्स e खेल ले रहे हैं तो ये सब हो रहा है इस एक गेम मतलब सम गेम्स

देर इज अलरी वो हर प्लेयर <player coughs> को नहीं मिलता <coughs> वो लाइक like, स्काउट क्या सैलरी लेगा मॉडल क्या सैलरी लेगा वाली बात है सो so, एक स्पोर्ट्स e प्लेयर की पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर गेट सैलरीज ही गेट्स प्राइज पुल जो इवेंट अगर वो जीतता हैं तो गेट्स अ कट ऑन द प्राइज पुल एंड थर्ड इज यू गैट स्पॉन्सरशिप्स ठीक है स्पॉन्सरशिप्स या तो टीम को आती है और समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रेक्ट दे द पास इट ऑन आफ्टर कीपिंग अ मेर शेयर ऑफकर्स स्पॉन्सरशिप और दे डोंट पास इट ऑन सो उनके लिए यही तीन है फोर्थ इज स्ट्रीमिंग इंडिया में स्ट्रीमिंग कल्चर हैज ब्लोन अपलॉट मतलब लोको एंटर द मार्केट यूट्यूबर्स डूइंग इनसेन स्टॉफ वे अदर प्लेटफॉर्म एज वेल डूइंग सो मच इन गेमिंग तो वो बहुत मेजर सोर्स ऑफ रेवन्यू हो गया इन गेमर्स के लिए क्योंकि उनको पास स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स होते हैं इनसेन कॉन्टेक्ट्स मतलब पर मंथ आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड अ डिसेंट

वन मिलियन टू मिलियन थ्री मतलब सात करोड़ आठ करोड़ किससे कम किससे ज्यादा मतलब दस करोड़ से ज्यादा पंद्रह करोड़ से ज्यादा साल में कितना करता है लेकिन लेस देन टू मिलियन सोलह करोड़ से कम सोलह करोड़ से कम दस exactly. से ऊपर

मतलब जो नहीं बनाए देर दे एक्सेप्शन mm. देखो वो एक्सेप्शन बहुत कम है जो बाकी गेम्स में फाड़ रहे हैं टेक्नो फाड़ रहे रॉनी फाड़ रहे हो हाँ. आप, आप उनको कि कौन फाड़ रहे हैं और बट अल्टीमेटली लोग गाली देते होंगे इस बात को लेकर बीजेएमआई पे और चल रही है पर भाई बीजेएमआई ही इंडिया में गेमिंग को फाड़ा है चरणजोत लोकमन में लर्न जैसे करके बहुत प्लेयर्स है बट क्या क्या वेव था आपको मैं, मैं तो पता ना पबजी पप, गेम, गेम, गेम गेम वो, वो अप्लाई किया था मेम्बरशिप के लिए तो क्विक चैट के लिए बुलाते हैं तो मुझसे पूछी क्या करते हो गेमिंग शेयर नो क्लू तो हम बोला तो कुछ समझी नहीं हम बोला अंडरस्टैंड यू नो पबजी दैट इज वॉट इट इज तो अल्टीमेटली आई एम हैप्पी वेर आई एम बट मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ गेम मैं मतलब आई थिंक द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग फॉर अस इज नॉट अ ग्लोबल टीम कमिंग टू इंडिया और मे बी सम इट्स अवॉर्ट द गवर्नमेंट रिकग्नाइजिंग दिस रियली वेल बट ना

बट uh, hmm. ये बैंस अलॉट आप सोचो हम लोग का तो फिर भी वी आर लाइक वेल टू डू नो हार्म इन से हम लोग हैं हमारे पास ऑल्टर सोर्स ऑफ इनकम बहुत है आप e का सोचो उसका आपने 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 का बच्चा जिसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं था उसका सैलरी सिर्फ सैलरी उसके ये। लिए बूम आया मतलब कोई बंदा जो जिसके घर में रोजी रोटी की दिक्कत थी उसको लाख वो अपने मेहनत से जैसे बाय लक एट गुड टाइम नाउ इज मेकिंग अ मंथ मे अपने सैलरी बंद कर दी और गलत नहीं है यहाँ पे गेम बैन हो गया क्या करेगा फ्री में आप कैसे, कैसे दोगे दो पर उस बंदे के लाइफ में जो है होता मतलब अभी आने We के पहले वी हैव पीपल है हमको खुद से भाई कैसे इसका हेल्प कर कैसे हाँ मतलब हाउ डू डू दैट मतलब आगा? हम लोग कर देंगे मतलब the is not कि वी आर नॉट हेल्पिंग देम मतलब उस वो हमें पता है टेम्परी चीज हिम्मत भी देते हैं अपॉर्चुनिटी भी लाने की कोशिश करते हैं बट पॉइंट इज योट रियलाइजिंग मतलब मुझे कोई बता रहा था कि ना तो जैसे वो होते हैं बीजेम आई में कस्टम रूम का कंसेप्ट होता है ठीक है वो कस्टमरूम में सौ दो सौ रुपए मतलब आप दस रुपए डालते mm. हो ऐसा कर विच इज आई थिंक नॉट नॉट अलाउड बट स्टिल वो सब चीज में कुछ धंधा ढूंढ लेते हैं लोग सो देनाइज सिटिंग इन स्मॉल टीयर थ्री सिटीज़ जो ये चीज चलाते हैं तो हो सकता है आप सोचे पूरा गाँव को पता है कि वो बंदा ही ऑर्गेनाइज करता है एंड इट्स अ वे टू मे बी मेक सम मनी मतलब यू एंट्रिंग विद टेन रुपीज एंड वो दो सौ रुपए और कितना वो सब कुछ बंद हो जाना इमेजिन यार मतलब नहीं दिखता वो जब आप देखते हो ना सिर्फ आर टेकन ओनली लुकिंग एट द माइक्रोस गेट्स बहुत सारे लोग हैं ना अभी सोचने लग गए कि गेमिंग एक करियर बनेगा ऑप्शन पहले कभी था ही नहीं क्योंकि ऐसा स्टिग्मा बन चुका है अपने कि भाई ये बहुत ही अंदर मतलब अरे क्या रे, है, ये क्यों है मस्ती के लिए खेल बट फिर एक वेव आया जहाँ पे लोग कमाने लग गए कुछ कुछ राइट right. तो लोगों ने उसको सीरियसली लिया ही, इतने में बैन डाउन ये सब सोर्स ऑफ इनकम बना राइट तो, right. तो इसलिए मतलब कोई भी माँ बाप इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि भाई मैं अपने बच्चे को इसमें छोड़ दू सो आईव थिंकम गेमर्स नाउ नोमेंट से क्लैरिटीज से मतलब ऑन रिकॉर्ड मैं सब जगह बोला

एट एनी पॉइंट आई विल गो बैक पढ़ाई कम्प्लीट करूंगा जॉब मिलेगी डन वो बैकअप सबके पास नहीं होता ये लकी तो, था, <laughs> तो मैं, तो मैं, <laughs> तो, मैं, <laughs> तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि एट द प्राइम टाइम ऑफ योर करियर वैन यूर वर्किंग ऑन सम्स एंड देन आपको गेमिंग का चस्का चढ़ा इस उसी टाइम वो चस्का को अपना प्रोफेशन बनाने का मत सोचो अपनी चीजें करते रहो कि मैं गेमर बन के ही गेम, मैं गेमर ही बनना चाहता था क्लास टेन में कभी नहीं होता कभी नहीं होता हमने कभी सोचा नहीं गेमर बनना अपना असली गोल मत भूलो लाइक इवन इफ टू यू नो द ओल्ड जनरेशन एड वॉच अपने बच्चे को खेलने दो ठीक है कीप अट एप अंटिल अ सर्टेन एज फिर वो कॉलेज जाएगा खुद ही थोड़ा ज्यादा अगर उसको ज्यादा का चस्का वो खेलने लग जाएगा पर

सब कुछ ये सब चीज में ही है लोग लोग लगता है कि क्रिकेट में करियर बन जाता है बट आप एक चीज नोटिस करिए इंडियन टीम में कितने लोग आते हैं <coughs> कितने रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स हैं जिनको आप नहीं जानते हो बट देर आर स्ट्रगलिंग टू अर्न बहुत बेसिक अमाउंट पे रहते हैं उन लोग भाई सिर्फ टॉप 0.01% स्पोर्ट्स में कमाते हैं तो, बाकी सब स्ट्रगल तो, करते हैं अभी अभी

सेकेंड बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी वन जिसको गेमर बनना भी है उसको सीख चाहिए, right? so, so, यही बन जाएगा भाई, creation, so, क्योंकि है मैं जो बंदा मेरे टीम में भी आता है चाहे वो बेस्ट से बेस्ट प्लेयर हो मैं सबसे पहला काम होता है कि उसका यूट्यूब स्टार्ट कराऊ ठीक है ये ये एक पॉइंट था जो आप पूछे ना मुझे गाली क्यों पड़ती है ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा मैंने मॉडल को मॉडल स्ट्रीमिंग करता था मैंने उसको हार्डकोर स्ट्रीमर बनाया कि भाई नहीं यही तेरा तीस का तेईस दिन है ठीक है उसके टीममेट्स को जो उस टाइम थे जो भी उसके टीममेट्स मेट्स आए जो भी सोल में है सबको यूट्यूब सबको यूट्यूब गेम दो बार बैन हुआ कम्युनिटी को मैंने खत्म होते हुए देखा है हम लोग सर उठा के चले या कोई को बोलता है ना कि सैलरी तुमको बाउंड करता है ये वो इंसान है इसने बताया कि भाई

एवरी क्रिएटर एवरी पर्सन डेट मेरे अंडर आते हैं या मेरे साथ साइन होते हैं दे शुड बिकम मी मतलब आई वॉन्ट टू मेक हंड्रेड कि भाई और थग्स बन जाओ ताकि ये चीज फैले बिकॉज दैट्स वैन एवरी वन स्टार्ट में स्काउट अगर आज चार अपना टीम बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है तू बना तू भी वो माइंड में ला क्योंकि आई वॉन्ट बी देयर ऑलवेज और मुझे डर लगता है यार कि भाई मतलब जिस हिसाब से कुछ

जो एक्शन में होता मैं नाम नहीं लूंगा कम्युनिटी में होता है बहुत जगह बहुत सारे लोग इस स्ट्रगल से जाते हैं जो गलत आदमी बोले सही टाइम में सही आदमी मिलना भी बहुत बड़ी चीज है सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू मेंशन कि यू नो कंटेंट क्रिएशन विल लिव फॉर एवर मतलब यू गेन नंबर फ्रॉम वन इंडस्ट्री यू कुड ऑलवेज मूव टू द मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री इफ यू हैव गुड नंबर्स और वो मेरा मूल मंत्र है भाई तू बंदा आया है ऐसे ट्यूवल हमने बना के रखा है जिसमें कोई भी आता है ऑडियंस एक बार में उसको प्यार देने जाती है hmm. तो भाई मैं वो बंदे को क्यों उस चीज़ से हटा के रखूँ क्यों भाई गेम बैंडस होते हैं करियर में कुछ भी हो सकते हैं तू मैं उसको उसके फ्यूचर के रेडी कर रहा हूँ उसमें आई डोंट हैव एवेंटिंग टू मेक मे बी हिल गेट सम ब्रेंड उसको नहीं मिलता किसी और को मिलता वो इतनी बड़ी रोस्टर है मेरी True. तो वो तो स्ट्रेस है ही नहीं बट किसी और के लिए बिकॉज इफ़ यू आर इफ एनी इज स्टॉपिंग जो होता है ना मुझे पता है बहुत और जर बंदों को स्ट्रीम ही नहीं करने देते नहीं देते क्योंकि क्यों उनको भा, भाई क्योंकि स्ट्रीम हो गया समझो तो कोई जीत गया उसके नंबर्स आ गए सैलरी बढ़ा रहे बहुत इट्स अ वेरी अ गेम ऑफ मैनिपुलेशन कि आपने मेरे को सैलरी रखा है पांच लाख मैं उस पे को स्ट्रीमिंग करने, करने दे रहा अगर इनके स्ट्रीमिंग करने मेरा नंबर बढ़ गया मैं भाई मैं मैं लाख क्यों तो बड़ा हो गया ना होगा इतना, इतना मेरा, मैं तो बोलता हूँ मतलब मैं अब ऐसा हो गया ना कि मैं किसी को एडवाइस भी नहीं देता क्योंकि एडवाइस भी देना आजकल गलत चीज है बेफालतू एडवाइस ही मत दो जब फंस जाते हैं तब आते हैं बहुत लोग यार मैं आपको ऐसे ऐसे इतने शेडी चीजें होते हैं ना इतने मैनिपुलेट करते हैं बट क्यों सैलरी द सैलरी इज बिग सो दे विल साइन एनी सैलरी दो ही मत लो ही मत डोंट वर्क फॉर सैलरी वर्क टू मेक अ इंपैक्ट मतलब आज के नाम विराट को देखो विराट क्या विराट सिर्फ क्रिकेटर है नो इज अर्किंग ब्रांड आइकॉन आइकन है वो आइकन मतलब वो छोड़ हुआ तो क्या है वो आज के दिन बट डेट्स नॉट ओनली बिकॉज ही प्लेड क्रिकेट दैट्स बिकॉज देर वॉज कॉन्स्टेंट वर्किंग ऑन हिम सो वेल टू डू दिस एंड दैट इज सो इंपॉर्टेंट डेट्स वॉट गोना दैट इज वॉट मेड हिम दैट एंटायर वेल्थ दैट हीज अमासिंग एंड विल कंटिन्यू टू मेक वो बहुत जरूरी है आई बिलीव दैट प्लेयर्स

अब पता क्या होता है अभी मैं इमेजिन करो मैंने एक और खड़ी कर दी मुझे गेमिंग का जी नहीं पता मैंने पचास हजार में रिटर्न का एक्सपेक्ट करूंगा मेरे को मेरा पचास तो मिले वापस आ, वो पैसे ना चंपी हो जाते हैं। आ, वो, वो पचास भूल जाओ पहली चीज तो डालने के बाद वो टाइम लगता है उतना बनने में अब आप देना बंद कर करते सैलरी प्लेयर हल्ला कर देगा प्लेयर हो गया और खत्म और प्लेयर छोड़ दिया सबको लग रहा है कि इज नो रूल ऑफ थम आई डोंट नो हाउ आई मेड दिस

राइट दैट दिस इज मनी वो डू थिंक इंडिया में कौन है जो तुझे लगता है कि इतना कमा सकता है या आने वाले टाइम में जो रिप्लेस कर सकता है एंड फॉर एग्जाम्पल से फॉर ऑडियंस इसको फॉर एग्जाम्पल से निंजा के बारे में नहीं एग्जाम्पल हो hmm. कौन ऐसा ऑडियंसेज कौन ऐसा गेमर है या चार पाँच पोटेंशियल गेमर hmm. जो तो लगते हैं जो जैसे क्रिकेट का सचिन कोहली धोनी hmm. बने hmm. वैसे गेमिंग ये बन सकते हैं जिनकी वजह से लोग देखे इंस्परेशन लगे कि भाई मेन स्ट्रीम बन गया है सौ करोड़ भी बनते हैं गेम में टेक्नो फाड़ेगा मतलब टेक्नो गेमर्स टेक्नो गेमर्स फाड़ चुका है लेकिन आई थिंक वो स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी वो अलग जाएगा देन देर इज मॉटल स्काउट देन देर इज जॉनाथन एंड फिफ्थ वन आई वुड से मतलब इंटेंट की भी बात होती है आई वुड से मैं ये चार पे रुक जाऊंगा आई वुड स्टॉप एट दिस फोर कि वो क्या वो बंदा मुझे लगता है कि वो करना चाहेगा ऐसा चीज़ देखो क्या होता है ना पैसा बनाने की भूखो नहीं पड़ती है ठीक है और आपको जैसे वेन यू वी वे वे स्टार्टिंग बोला कि आप जब 200 करोड़ बनाए आपको लगा कि आ, इससे मजा नहीं आ रहा करोड़ है वो माइंड में थॉट होना होगा ठीक है तो मैं इसका और मॉडल का इसलिए बोला कि इनके पीछे मेरी चूल रहेगी हमेशा भाई और कमाना है हाँ। तू और बड़ा गेम तू घर लिया अब तुझे बंगला लेने वो अलग चीज है बाकी दोनों आई फील देवर लॉट ऑफ पोटेंशियल मतलब दे कैन डू इनसे कर सकते हैं तो मतलब ये लगते हैं तुझे जो दे कैन बीट एट लार्ज स्केल दिस के पोस्टर बॉय जैसे सवेज इन एल ए मैं एल ए में गया था भाई निंजा का उस टाइम पर रेज चल रहा था लाइक राइट आफ्टर पैंडमिक एकदम रीजेंट मतलब मैं निकला उधर सौ तो बो होर्डिंग्स लगे हुए निंजा के और उसमें से ये लिखा कि इस टाइम पे इसे ये खेलने आएगा या उसे भी मर्च लॉन्च होगी भाई क्या है ये लाइक एंड

टेक्नो स्काउट मोटल जोनाथन टेक्नो की हार्डवर्क एंड क्रिएटिविटी रहेगी मोटल का हम्बलनेस रहेगा उसमें जोनाथन का नेचुरल टैलेंट रहेगा उसमें आएगा तोड़ के जाएगा ऐसा नहीं बोलता नहीं मेरे को पता एक आने वाला है जो अभी सीख रहा है इस पॉइंट पे जिसको जिसको पता ही नहीं कौन कहाँ है वो वो सीख रहा है वो हर बंदे से सीख रहा है

नेक्स्ट लेवल वो टैलेंट एक सब में नहीं होता है प्रैक्टिस से नहीं आता है वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन अब मेरे को काफ़ी ऐसे वाइब्स आ रहे हैं मैं आई लुकिंग फॉरवर्ड की कौन एक्चुअली मेरे को जो पूछा था ना लाइक आई पर्सनली फील इफ द गेम कम्स बैक सबको लगता है कि मैं अपना पीक को हिट कर दिया इंक्लूडिंग हिम इसको लगता है मैं अपना पीक टच कर दिया हूँ बट नो आई पर्सनली ये मेरा टेन परसेंट ये आई कैन स्टिल बी ए बेटर एंड आई कैन स्टिल गो मच मोर अहेड इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड स्टफ एंड ब्रिंग वन ऑफ द फर्स्ट एवर ट्रॉफी फॉर यू That's my ड्रीम इंडिया के लिए पहली ट्रॉफी लानी मेरे को पहली मतलब कोई दूसरा बंदा नहीं बनना है कि जो सेकंड दूसरी वाले लेके आ रहा है पहला बनना है वो पहला बनूंगा मैं जो पहली ट्रॉफी लेके आएगा इंडिया पे कि ई e स्पोर्ट्स में पहला ट्रॉफी जो आया है वो इंडिया के लिए स्काउट लेके आया वो मैं कर सकता हूँ मेरे को वो बिलीव है अपने अंदर बस इसकी भूख जो है ना वो एक ट्रॉफ़ी नहीं मतलब इसका जो जैसे इसको ट्रॉफी के लिए भूख है मुझे मेरे काम के लिए भूख है उट सब आप सब आप था तो आपका नेम फेम नथिंग ये पैसे आपको कोई लाके नहीं दे सकता ये पैसे आप कमाते हो ये पैसे आपको खुद को वो करना होगा इनको पता चलना होगा लाइक

भाई छब्बीस साल का ऐसी बातें कर रहा nice, I love that. को है नाइस आई लव दैट चार साल लगेगा मेरे को चाहिए कि स्काउट ने चालू किया था दो हजार अठारह में उसको ट्रॉफी अगर दो हजार पच्चीस में भी आएगी ना बट उठाया उसने उठाइए यू नो इन ऑर्डर टू बिल्ड अ बिगर गेम आई फील गेमर्स को या कॉन्टेंट क्रिएटर्स को ना अपार्ट फ्रॉम उनके खुद के बबल से दूसरी जगह क्रॉस कोलेब्रेशन या सीखने की बहुत जरूरत है जैसे स्पोर्ट्स में भी ये तब विराट कोहली या धोनी तब बने जब एक्चुअल बिजनेस एंटर हुआ या रेस्टोरेंट सेंटर हुआ या लाइक मतलब ब्रांडिंग एंटर हुई इन्वेस्टमेंट सेंटर हुआ मतलब बहुत अलग लेवल का गेम स्टार्ट हुआ तब जाके ये लोग बहुत बड़े नहीं तो इनसे ah. पहले कोई भी नहीं था राइट right. कोई बड़ा नहीं था राइट सो एंटरप्राइज जो वो ट वो होना बहुत जरूरी चार पांच अलग अलग जगह से कोलेब्रेशन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्चुअली टेक दैट हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव और वो इंडियन क्रिएटर्स लैक करते हैं हाँ, मतलब आई सी डेटिनेटैंड लास्ट फोर इयर्स मतलब इनको मतलब मुझे भी ये डर रहता है बट आई नो बिक टैलेंट एजेंसी अल्टीमेटली रहेगा जो रिप्लेस हाँ. करता रहेगा वॉट आई आई एम स्केर्ड अबाउट दैमेज कि भाई तीस तक तू फाड़ेगा तुझे तीस के बाद और फैमिली चलानी है पूरी लाइफ चलानी है अगर तेरा शेल्फ लाइफ तीस पे खत्म हो गया लाइक दे आर ऑल टी टू ट्वेंटी फोर बोलो पांच साल और चल गए तुम लोग बहुत लंबा शेल्फ लाइफ बाद क्या करोगे है। उसका कोई प्लानिंग नहीं है मतलब डू पीपल थिंक एक घर ले लिया एक गाड़ी ले ली शादी हो गई भाई उन चीजों को चलाना होता है आगे जाके अपने घर के फिर अलमीरा को बेचोगे नहीं आप वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत डरावनी प्रॉब्लम है बिकॉज मतलब

और बट कुछ लोग हैं ना डॉक्टर ड्रे जिसने एम्पायर बना दिया जे जिसने एम्पायर बना दिया जिसके मैं, जिनके मैं काम किया जो ये सोचता है एंड इट्स वेरी बैड वी नीड टू ब्रिंग दैट रेवल्यूशन बिकॉज मैं जब क्रिएटर साहब बैठता हूँ ब्रो मेरा आई हैव मेट क्रिएटर्स जो

Hmm. कि भाई ये प, अगर एक साल में पचास का सत्तर नहीं हुआ मतलब वो, वो गया नीचे को कहा से कहा ऐसे होते हुए देख लिया भाई तुमने चार साल बात वाली बात बोली मैं तुझे बोला था सोनावाल इज वन ऑफ द वेरी बिग इन्वेस्टर्स इन सिलिकॉन वैली ट्विटर में लगाया उबर में लगाया पैसे लगाया वो बोलता है कि अभी की जनरेशन ये नहीं समझती कि अब जीरो से करते है। so पहले कैसा होता था कि तुम की में नौकरी 50 करते, करते तक काम करते थे right. तो तुम्हें पचहत्तर साल तक संभाल के रखना होता हुँ, था राइट right? कि पचास साल और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद लेकिन अब तुम चार साल में इतना कमाते हो जो तुम्हें पचहत्तर साल तक हैव टू थिंक अबाउट वेरी वेल कि तुम चार साल में ऐसा क्या हो क्योंकि अगले चार साल टेक्नोलॉजी और दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज होने वाली है कि पता ही नहीं है हाँ मेरा लाइक मैं ये पहले से था फुटबॉल टाइम से ही था लाइक पापा का ऐसा नहीं था कि मेरे को मैं कुछ भी नहीं कहूँ तो मैं घर पर रोटी घर पर रोटी आने लायक थे घर पर चीज़ें तो मैं चाहता तो पढ़ाई करके एंड में पापा के यहाँ धंधे पे लग के घर पे रोटी वोटी अच्छी लाइफ ले मीडियोकर लाइफ जी सकता था बट कल को उसमें भी कोई आके ये बोल सकता था कि तेरे बाप ने कमाया इसलिए तू कर रहे है मेरे को वो लाइफ में कभी नहीं सुनना है कि कोई मैं कोई बोले कि भाई तूने इसके चलते ये किया है मैं, भाई मैंने खुद अपने खून पसीना निकाल के मेहनत कर खुद से बनाया कभी किसी का मेरे को ये नहीं मेरे नाम के किसी का नाम नहीं लगना चाहिए कि तू इसके चलते ये बनाया नहीं भाई ये ये बहुत बड़ा कर्ज होता है मेरे हिसाब से एंड इट्स अ वेरी गुड ईगो टू होल्ड यू फील कि हंग्री लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनका सेल्फ ईगो इतना बड़ा होता है कि मैं दुनिया में किसी का ये नहीं सुनना कि तुमने किसी की वजह से कुछ और हुआ हर कोई ये प्रूफ करना चाहता है कि मैं किसी की भी शेडो में नहीं आना चाहता मतलब फॉर एग्जाम्पल पापा ने तुझे बनाया मम्मी ने तुझे बनाया इसने तुझे बनाया मैं वो नहीं चाहता मैं भाई मैंने खुद भी किया है साथ में बने कोई प्रॉब्लम नहीं बट मैंने खुद ने किया मैं कभी भी किसी का सुनूंगा नहीं कि I'm, I'm like nobody, और actual, मतलब क्या होता है ये और... होता और ये चीज यार बंदे को पता होता है कि वो क्यों ऐसा चाहता है सो बहुत हो जाती है इट्स अबाउट द लॉस ऑफ आपका एग्जिस्टेंस खा जाते हैं लोग भाई यू एग्जिस्ट मतलब आप एक चीज सोचो कि अब स्काउट को अगर ये बोल दे कि तू ट्रॉफी इसलिए उठा क्योंकि तेरे तीन प्लेयर और थे या इसके किसी टीममेट को भी नो इट वाज बिकॉज भाई वो बंदे ने अपना फुल किया वो अगर नहीं exactly. करते तो टीम जीरो थी द पॉइंट इज वो टीम गेम है ना लेकिन उसमें इंडिविजुअल को इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी मिलनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपकी जो मेहनत है वो ओवरशेड हो जाए जस्ट बिकॉज कि किसी ने आपको एक बार बोला कि भाई तू वहाँ से राइट जा हाँ, ये नहीं होता नहीं है उसके वहां से राइट जाके आगे मैंने गान घीसी ना हाँ And that's उस, the life maybe. वो घिसने का <coughs> पार्ट का कौन देगा <laughs> तो वो जो घिसाऊ में है वो कौन देगा उसका कौन गिनती कर रहा है उसका कोई नहीं जस्ट बिकॉज किसने ऐसा बोल दिया मैंने राइट जाने के लिए बोला मतलब तू मेरे लिए बना नहीं भाई को रास्ता दिखाया <laughs> बिल्डिंग खड़ी होती है अलग अलग बेसिस से एक बेस भी हटाता तो बिल्डिंग गिरेगी सो दिस इज अ थिंग डेटर भाई तुम समझो हम कोई जादूगर नहीं है नो टैलेंट मैं जादूगर एनी एजेंसी कुड एंटर गेमिंग एंड मे बी डू वंडर्स विद योर सॉरी okay, क्विक मैं वो जादूगर मेरा डिटर्जेंट आता है जादूगर प्लीज मैं वो नहीं हूँ आपको अपनी खुद करनी होगी. टेक गई क्रेडिट अवे फ्रॉम यू एंड आई डोंट इवन वॉन्ट यू टू क्रेडिट मी फॉर गेटिंग यू दैट थिंग दिस गाइज आर हम्बल की इनको लगता है कि मजिशियन आई एम अ मजिशियन इन बिजनेस आई एम नॉट अ मजिशियन इन मेकिंग देम दिस स्टार्स अल्टीमेटली hmm. ये उनकी खुद की मेहनत होती है मैं उसमें हूं। गोल्डी भाई एक कैटलिस्ट है जो इनको सही या गलत बता दे Easy और वो है। सही या गलत बहुत डिफरेंस लाए तो मुझे पता है बट वो इनकी खुद की मेहनत है I have a big roster. भाई। दस लोग को मैं देखता हूं उसमें अगर मैं दस पकडूं यार क्या कर रहे हैं लाइफ में मतलब मुझे डर लगता है उनके लिए कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो और उसमें मैं उनको गाइड कर सकता हूं आई कैन डू अ टॉक एवरी डे इतने बिजी उनको रोज उनको के बात कर सकता हूं पर करना उनको है। तो उसने बोला ना मैं उनके सक्सेस का क्रेडिट लेना चाहता हूं ना उनके फेलियर का क्रेडिट लेना चाहता हूं बिकॉज दोनों में मैं नहीं था आई एम जस्ट अ ब्रिज बिटवीन शॉर्टिंग दैम फाइनेंशियली एंड हेल्पिंग दैम ग्रो बट नॉट मेकिंग दैम वर्क आई कैनॉट डू दैट तो उसलिए क्रेडिट पूरा उनको जाता है देर आर वेरी फ्यू केसेज जो मैं जानता हूं जहां पर यू कैन कॉल इट अ वेरी गुड पार्टनरशिप कि यार दो जन मिल के किए एक जन फेस था एक जन पीछे था बट क्रेडिट सबको इंडिविजुअल मिलना चाहिए एंड आई थिंक दैट्स गुड यो ये ये इंडिया में अभी कल्चर बहुत रिसेंटली पांच सात दस सालों से बढ़ने लगा है US मैं से नहीं हो US में में, ये में की, हाँ। साल औलादो तुम लात तुम्हें बाहर कर हाँ। देंगे In fact, ना बिले ट्रस्ट बना के पैसा देते हैं तो अगर इनहेरिट भी तुम अपने इधर कैसा है कि हमारे जो माँ बाप का पैसा है वो मार ही है भले सौ रुपए हजार करोड़ हो राइट वहां पे अगर पापा करोड़ तो है right. तो में में वो एक पर्टिकुलर टाइम तक किसी किसी चीज के लिए, के लिए पैसा मिले गा, गा, right. yeah. पैसा मिलेगा मिलेगा तुम्हें तुम्हें करना पड़ेगा तभी है तो मतलब बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन थे तो तुमने कहीं ना कहीं बात करिए सब कवर ही कर yeah. लिए right? right. पैसे कवर कर लिए स्ट्रेस कवर कर लिया गेमिंग इंडस्ट्री तुमने बता दी फ्यूचर की बात कर ली हमने ओके नाव एक क्वेश्चन था बस जो मेंटल हेल्थ कर रहा था गेमिंग ना बहुत हाई प्रेशर इन्वायरमेंट होता है और कोई right. भी स्पोर्ट होता है एंड इसमें से मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो right. हद से ज्यादा क्योंकि फिजिकली क्या बॉडी में ब्रेन में केमिकल्स भी नहीं ज्यादा रिलीज हो रहे hmm. हैं कि फिजिकली जो ज्यादा केमिकल्स रिलीज होते हैं राइट right. तो तुम तो बहुत इरीटेटिंग होता है सो डू यू थिंक मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है और इसके वजह से लोग बर्नआउट हो जाते हैं और ज्यादा सस्टेनेबल करियर नहीं बना पाएंगे सो आई वुड से कि देखो स्ट्रेस अल्टीमेटली सब चीज़ में है फर्स्ट थिंग ये तो बेस लाइन है कि अलग क्या मेंटल स्ट्रेस है

तो डू यू थिंक वो मतलब एक टाइम बाद तुम लाइफ में एक्साइटमेंट ही भूल जाते हो नहीं नहीं पर, फिर पता मत नहीं नहीं यार मतलब आप देखो हम लोग गेम जब खेलते हैं हमें उसमें मजा हम जितना है। खेलते हैं ना हम लोग को हम लोग लाइक फॉर मी आई डोंट गेट इमर्स्ड इनटू अ गेम एनीम आई थिंक नीदर ऑफ अस डू इट एनीमोर वो एक बार स्टार्टिंग में आपको फैंटिसाइज करता है चीजें कि भाई ओ भाई ये वो एक गेम नया आया दो दिन के बाद तीसरे दिन एडजस्ट अ गेम फॉर अस ट्रू

उतना भी स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं है ना लाइक अल स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में यार भाई आप जब आप टोर पे हो, आप दस चीजों के आप पे, पे इसमें वो सब थोड़ी हम लोग थोड़े किसी को रोकते हैं जहाँ मजे कर रेस्ट करके कर, और क्या क्यों मत कर पर तो ये वही बात होगी ना आप बोलोगे एक एथलीट को भाई तेरे को बॉडी में दुखता नहीं है तो, तो रोज ट्रेनिंग करता ये वही हम लोग ये इतना

मैं 16 से 20 तक I was so obsessed दिन, हुँ, evolved, हुँ, कि मेरे पार्टी करने आते रात को बुक पढ़ रहा था मतलब नहीं, यार बुक पढ़ के रहना क्योंकि कल सुबह मेरे को आगे निकलना है आई एम रीडिंग को दिमाग में तो ये होता है तुम स्टार्ट करते हो किसी बड़े को बीट हुँ, करना तुम्हें तो नहीं पता कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी है भाई। सो

मुझे नहीं पता मेटावर्स अलग क्या ना मतलब आई थिंक मुझे गेमिंग में होते हुए ऑल दो रिसर्च करना चाहिए ना मैंने वेब थ्री में कुछ एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है <laughs> ना मेटावर्स में एक पन्ना पढ़ा मुझे कुछ नहीं पता hmm. मैं इतना ही समझता हूँ आप अगर कंसेप्ट ये है जो ले में कि आप बोलते हो कि यू एंटर अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड यू फील यू हैव अल्टरनेट कैरेक्टर यू आर टेकिंग अ डिफरेंट लाइक फील पैरल है तो मैं गेमिंग कर रहा हूँ चार साल से अ लॉट ऑफ गेम्स एड आई प्ले आई फील दैट आई एम डूइंग दैट आई एम प्ले इफ आई प्ले रोल प्ले गेम्स उसमें यही होता है आई एम प्लेंग अ कैरेक्टर आई प्लेट इफ तो आई डों नो की अलग क्या हो जाएगा yes. आप आर एडसेट पहना दोगे वी आर सेट पहना के मैं वी आर में गेम्स खेला हूँ क्या होगा मैं वहां पर जाके मुझे वो टेनिस खेलते हैं वहां पर बॉक्सिंग करूंगा लेकिन अगर आप मुझे बोल रहे हो कि वो सोशल लाइफ वाला पार्ट वेरी स्के अगर वैसा कुछ करना पता नहीं मतलब तो 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 लगता है कि इसमें कुछ बनेगा कुछ क्योंकि सी मेटावर्स मतलब इन लेम टर्म्स इतना मैं समझता हूँ कि

आपने कैरेक्टर बनाया मल्टीवर्स में आप वहाँ पे गैंगर इमेजिन करो जो तो जीटीआरपी है एक बेसिक जीटीआरपी सेम है बस हो, हाँ। तो वो की आठ नौ घंटे खेल दिए हो गए

क्या हम रेडी है इसके लिए नॉट आई डोंट थिंक इट डज नॉट एक्साइट मी आई फील दैट इट्स वेरी मेरे को एक्साइटमेंट okay. okay. नहीं टू एंटर दैट मेरे को एक्साइटमेंट नहीं कुछ नया आ रहा है कुछ नया है और टेस्टिंग कर लो एक दिन और लेट इट कम आने दो देखते But, हैं उसमें आई डोंट नो हाउ इट इज गेमिंग मैं मेरे को वो गेमिंग नहीं यार इट्स डार्क इट्स इट्स बेसिकली वन ऑफ द एनिमेस यू आर वाचिंग अब उसको मन के अच्छा उसको रियलिटी बनाते हैं बंदों को एक और जिंदगी दे, दे देते हैं <laughs> बंदा अपना लाइफ भूल चुका है yeah. the character. आप असली में रहोगे आप, आप अपने से बात नहीं करोगे आप उसी वाइब में रहोगे फुल टाइम। mm. फैक्ट ही है। Fair. कोई अगर ना बोलेगा कि मैं चेंज जाऊंगा नहीं होगा आई होप कि आज के एपिसोड में बहुत ही नई दुनिया के बारे में आप सबको सीखने को मिला जितना मुझे सीखने को मिला तो ऐसी कौन सी और इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर कौन सी सी इंडस्ट्रीज है जिसमें आपको जानना है कि यार उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें लोग कैसे पैसे कमाते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं और स्पॉट करके कुछ बड़ा बन सकते हैं आई वुड रियली वॉन्ट यू टू कॉमेंट दैट कमेंट में मुझे बताओ कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगला जानना चाहते हो मैं उनके एक्सपर्ट्स को लेके आऊँगा और उनके साथ बैठ के पूरी इंडस्ट्रीज़ को ब्रेक डाउन करूँगा और समझूँगा कि कैसे आप और मैं हर कोई उस इंडस्ट्री में एंटर करके कुछ बड़ा कर सकता है अनटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फिगरिंग आउट